फिजिकल साइंस में फिजिक्स यानी भौतिकी का TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सौर ऊर्जा सौर प्लेट से कनेक्शन बैटरी में करें, बैटरी में ऊर्जा विद्युत ऊर्जा स्टोर किया जाता है जो रात के समय इसका उपयोग किया जाता है सूर्य के किरणें सोलर प्लेट पर पड़ती है तो विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरा टेल में हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट कांच का यानी शीशे का घर बनाया जाता है में शीशे का दरवाजा लगाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में इसमें कृषि कार्य सालों भर किया जा सकता है ग्रीन हाउस में। तीसरा है टेले सन यानी सूर्य का सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का स्रोत नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा होता है में हाइड्रोजन के संलयन दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक हीलियम बनाते हैं जिसमें अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करता है सूर्य। तीसरा टीएलएम है जल चक्र समुद्र नदी पेड़ पौधों से वाष्प सर्जन के माध्यम से जल बादल बनता है, बादल से फिर वर्षा के रूप में जल फिर नदी तालाबों मैदानों आदि में होकर फिर समुद्र में चला जाता है। इस तरह से एक चक्रीय रूप में जल का सुनिश्चित प्रवाह बना रहता है जिससे हम सभी को जल की प्राप्ति होती है। अगला टीएलएम है प्रिज्म में श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश सात रंगों का मिश्रण होता है जो प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश या श्वेत प्रकाश सात रंगों पर में बिखर जाता है, एक पर्दे पर प्राप्त होता है लाल नारंगी पीला हरा नारंगी। जामुनी बैगनी अगला टीमेल में है दर्पण दर्पण अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह दशा रहता है उत्तल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा रहता है समतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल यानी बराबर रहता है। अगला टीम TLM है टीचिंग लर्निंग मटेरियल मानव नेत्र की संरचना मानव नेत्र संरचना क्रिस्टलीय लेंस पुतली कॉर्निया परिनालिका नेत्रोद कचाप द्रव्य अंधबिंदु कचाप द्रव्य तंत्रिका दृढ़ पट रेटिना रक्त पटल पछावी पेशिया मानव नेत्र की मेगापिक्सल में क्षमता 476 आकलित किया गया है। अगला TLM है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र में गोबर पानी का घोल डालते हैं और सप्लाई पाइप द्वारा एक टाइटी टंकी में उसको गिराया जाता है। जब गैस बायोगैस एक सिलेंडर टाइप का है इसमें बायोगैस निकास पाइप द्वारा निकाल लिया जाता है गैस को। बचा हुआ गोबर गैस को एक पाइप द्वारा फिर निकास पाइप द्वारा बाहर निकाल के उर्वरक रूप में खेतों में
उसका यूज किया जाता है, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र भारत में सफल नहीं रहा, तो इसके लिए ज़्यादा मात्रा में गोबर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें दो चार पशुओं की आवश्यकता होती है। अगला टेलम है, पराध्वनि, चमगादड़ पराध्वनि का उपयोग करके अपने शिकार को खोज करती है, शिकार पकड़ती है। दूसरा है सौर, सौर कुकर। सौर कुकर में समतल तल पर का एक बक्स नुमा ढांचा बनाया जाता है, जिसमें सूर्य की किरणों के द्वारा किरणों को समतल दर्पण द्वारा परावर्तित किया जाता है और खाना पकाया जाता है, लेकिन इसमें चपाती को न पकाना असंभव है। अगला टेलम है मानव कान। मानव कान ध्वनि के प्रति संवेदनशील अंग है। बाह्य कान, जिसको पिन्ना कहते हैं, कान की संरचना मुख्य रूप से तीन भाग है, बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। बाह्य श्रवण नलिका, कर्णपट्ट झिल्ली, कोकोलिया, हड्डी तंत्रिका, कोकोलिया तंत्रिका, स्टेपीज, जो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, स्टेपीज, इनकस, एमेलियस, टेम्पोरल अस्थि,